सामने में मस्त पानी भरा हुआ है भाई नाले में, ये देखो इसको क्रॉस करके जाना है, आराम से लेके जाना, मस्त है ये देखिए। चलो आगे बढ़ो, बता रहे हैं कि ये वाला जो है सिंदूर खोल के ले जाता है करके, अरे पूरा उठा उठा, देखो गाड़ी गिर गया भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो नीचे चलते हैं, ठीक है ना। देखो गाइस अभी हम लोग उतर रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइस अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो अभी 7:40 हो चुका है और प्लानिंग जो हुआ था हम लोग का जाने का वो हुआ था 7 बजे के आसपास में हुआ था। भाई भी थोड़ा लेट से आया हुआ है 7:15 बजे और इस टाइम अभी हम लोग है ये गलत बात बोल रहा है भाई। और अभी जो है 7:40 हो चुका है, अभी हम लोग है भेलाइटेन सिरसा गेट में। अब बारिश चालू हो चुका है, हो सकता है कि मैं रोड का आप लोग को नहीं दिखला पाऊंगा, जहाँ जहाँ पे बारिश अगर कम हो जाएगा वो जगह दिखलाने की कोशिश करूँगा। मैं सोचा था कि पूरा अपने भिलाई से कहाँ जाना है भाई आज, गरियाबंद जाएंगे ऐसा करके बोल रहा है, तो देखते हैं गरियाबंद में कहाँ जा पाते हैं आज। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल है करके बतला रहे थे, जिनमें से कौन सा वाटरफॉल अपन पहले ही जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, अभी बारिश हल्का हल्का हो रहा है, रेनकोट अपन लोग लगा लिए हैं, बस निकलते ही हैं। हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। ये देखो और ये देखो मस्त है, ये पार्क बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बन जाएगा ना तो और अच्छा हो जाएगा। अभी सुबह का टाइमिंग है, टाइम तो नहीं देखा हूँ, लगभग 8:30 बज चुका होगा। गाइस तो अभी हम लोग अभनपुर पहुँच चुके हैं और ये प्यारा सा मंदिर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गणेश जी महाराज लिखा हुआ है। और बारिश हो चुका है स्टार्ट, अपन सामने में होटल में रुकेंगे, भाई लोग से पूछते हैं कि नाश्ता करेंगे कि क्या करेंगे, तो अभी तो हम लोग नाश्ता भी नहीं किए हैं, घर से निकले हैं, तो देखते हैं नाश्ता कर होगा तो करेंगे। रायपुर सीधा जाएंगे तो अभनपुर के लिए यहाँ से आगे से रास्ता गया हुआ है, राइट टर्न लेंगे अपन अभनपुर जो है बस्ती के लिए। ये वाला जो है ना नया बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह। गाइस तो ये है लखन होटल अभनपुर का, यहीं पे अपन रुकेंगे, पानी पड़ गया लेंस में लगता है भाई। गाइस तो ये होटल में अपन नाश्ता किए है, ये अभनपुर है, उसके बाद अभी अपन चल रहे हैं राजिम के लिए। पानी छोड़ दिया है, चलिए होटल के बगल से रास्ता निकला हुआ है, बस इसी रोड को अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से चंपारण 34 किलोमीटर, गरियाबंद है 63 किलोमीटर। तो भाई लोग का कहना था कि गजपल्ला चलना है करके, तो अपन गजपल्ला वाटरफॉल चलेंगे। अब यहाँ से कुछ कुछ जगह पे रास्ते जो है ना वो अच्छे हैं और कुछ जगह पे रास्ते वो ख़राब है। कारण यह है कि एक साइड रोड का काम चल रहा है तो एक साइड खुला रखा हुआ है, इसके चलते है। अभी रोड का काम जो है चल रहा है, आने वाला एक साल तक हो सकता है रेडी हो जाए या 2 साल लग सकता है। पानी के जो छींटे भाई वो इसमें आ रहा है कैमरे में, बाइक के पीछे रहना ठीक नहीं है, खतरनाक हो चुका है रास्ता। अभी बारिश के दिनों में यह सब परेशानी होगा ही, लेकिन बारिश में जो वाटरफॉल का जो मज़ा है ना वो और कोई समय में नहीं है। रात में आना होता ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रास्ता ख़राब है अगर इस टाइम अगर आते हैं तो। अभी सावन का महीना चल रहा है और ये देखो कांवर लेके जा रहा है बोलबम। तो ये देखिए हम लोग पांडुका में हैं अभी और बारिश हो रहा था पीछे में, और यहाँ पे देखो पूरा भरा हुआ है पानी यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ यार, भूल जाता हूँ यार, गजपल्ला वाटरफॉल गरियाबंद यहाँ से है 24 किलोमीटर। हार ना बजेगा ना भाई, वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पानी नहीं पड़ता होगा ना इसीलिए। गाइस तो ये देखिए सब भाई लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ से है गजपल्ला सिंदूर खोल झरना, यहाँ से है 5 किलोमीटर आगे जाएगा गरियाबंद के लिए। गरियाबंद यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर है
और यहाँ से राजिम लगभग 25 या 20 के आसपास ही होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टुहिया मुड़ा 3.975 किलोमीटर। बस यहाँ से अपने को चलना है 5 किलोमीटर। सामने में मस्त पानी भरा हुआ है भाई नाले में, ये देखो इसको क्रॉस करके जाना है, आराम से लेके जाना मस्त है। ये देखिए इधर खेतों में काम चल रहे हैं, छोटा सा गांव है भाई, अंदर में जंगल में है लोग। ए मुर्गी सामने में, तो ये देखो कच्चे जो सड़क है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखो घने जंगल पेड़ पौधे नज़र ही आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो है पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ है भाई, और इधर बगल में देखो गांव के लोग जो है खेत में काम कर रहे हैं। इधर देखो बैल नज़र आ रहा है, बैल से जो है जुताई कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकतर आप लोगों ने ट्रैक्टर ही देखा होगा, लेकिन गांव देहात में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सब लोग हमें को देख रहे हैं, हाँ पानी भरा हुआ है ना, आराम से चलाना, क्योंकि ना गड्ढे कितना है वो भी पता नहीं है, नए जगह हम लोग के लिए अनुभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आराम से चलाओ। ये सिर्फ क्यों सिर्फ पूछ लो, चलो आगे बढ़ो। बता रहे हैं कि ये वाला जो है सिंदूर खोल के ले जाता है करके, वापसी में इसको भी अपन कवर करेंगे, पहले इधर कवर करते हैं। अभी पानी नहीं गिर रहा है भाई, अच्छी बात है। अरे पूरा उठा उठा, देखो गाड़ी गिर गया भाई, आराम से। रुको 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 रुको, गड्ढा यहाँ पे, यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है यार, आगे पीछे। ओ बाबा क्या ही पानी भरा है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कार जो है वहां पे रखे हुए हैं, बाइक है करके अपन निकाल लिए यहाँ पे। आनंद है आनंद। गाइस तो अभी मैं या जो है आपका गजपल्ला वाटरफॉल के जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर पहले यहाँ पे पहुँचा हूँ, और जैसे ही अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो यहाँ पे जो है रास्ता ख़राब था करके बाइक जो है फिसल गया, इसके कारण से हम लोग थोड़ा सा एक्साइड हो गए थे, हालांकि ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। और अभी हम लोग अपना बाइक यहीं पर रख दिया है, और यहाँ से राउंड लगभग एक भाई साहब है जो लोकल यहीं के है, वो बता रहे थे कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में है, गाड़ी आगे लेके नहीं जा सकते क्योंकि इससे ज़्यादा जो रास्ते हैं वो उधर ख़राब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखिए जो है अपना बाइक यहीं पे रखे हुए हैं, भाई लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। गाइस तो ये वाला जो रास्ता है अभी ब्लॉक है करके बतला रहा है, तो अपन नहीं जाएंगे, अभी जाने का प्लान बन चुका था, तो अभी यहाँ से अपन चलेंगे। तो ये रास्ता ना, आ जाओ आ जाओ भाई साहब, बहुत ख़राब रास्ता है भाई, यहीं पे रखना है। रास्ता है भाई, ये देखो तालाब जबरदस्त, उतरूँ क्या? हाँ उतर लगे, अरे फंस गए बिल्कुल, चलो चलो जल्दी जल्दी। ए आराम से बंद कर गाड़ी, बंद कर गाड़ी, बंद कर गाड़ी, बंद कर, पत्थर डालो धंसेगा। अरे नहीं नहीं ढकेलना, निकल दे। अरे यार बंद नहीं करना यार, चलो ना, पता नहीं फंसा हुआ है गाड़ी, पूरा बाइक में टिकला टिकला यहाँ पे थोड़ा छत्तीसगढ़ी हो गया है भाई लोग के चक्कर में, मजाक मस्ती के चक्कर में। गाइस तो यहाँ पे अपना बाइक रख दिए हैं, और यहाँ पे देखो पानी लबालब भरा हुआ है, बाइक तो जाएगा ही नहीं, करने का आवाज आ रहा होगा। हाँ भिलाई दिन से बोले ना, अरे मैं तो वहीं से हूँ, झरना से ज्यादा मजा तो रास्ता बाइक चलाए में आ गया। और मैं तो बोलता हूँ फोर व्हीलर छोड़ो,
बाइक पे मजा लेना है तो गजपल्ला। ये देखिए पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये देखिए पानी भरा हुआ है वहाँ पे। चलो चलो चलो, कहाँ चलो? सब आगे चले गए हैं और राहुल भैया पीछे में, और कुछ बाहर के भी भाई लोग आए हुए हैं सब यहीं पे। ये देखो यहाँ पे छोटा छोटा मछली भी है। हाँ तो बस अब घने जंगल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वाटरफॉल है बहुत अंदर में है। हालांकि रोड में लिखा हुआ था 5 किलोमीटर, मेरे को तो ज़्यादा ही लग रहा है। तो अभी हमको ट्रेक करते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे कीचड़ है बहुत ज़्यादा। चिखला है भाई? हाँ, छत्तीसगढ़ी में चिखला, हिंदी में कीचड़। ऊपर ना चढ़ के झरना तीर तीर जाते थे, हमारे नीचे झरना मिल जाती। हाँ वो भी है। तो ऊपर कहाँ चढ़ा था? झरना को नीचे देखते ना, शेर पानी पीने आता है भाई यहाँ पे। नहीं भालू। हाँ और देख सामने, देखो पूरा भाई मन लाइन से ट्रैकिंग करत बढ़िया। सामने देख जाओ। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। संतु भैया अपने पुराने वाले को याद कर रहे हैं। याद कर कर के हंस रहे हैं। गाइस तो अभी हम लोग जो है ऊपर चढ़ चुके हैं। ये देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहा है, और इधर जो है पानी जो है बहते हुए जा रहा है। इधर थोड़ा बहुत आप लोग को आवाज़ भी आ रहा होगा। चलिए, फर्स्ट टाइम है मेरा, और दिखलाते हैं आप लोग को कि कैसे है वाटरफॉल। पूरे घने जंगल हैं और आउटर में बहुत ज़्यादा, इतना आउटर आपका जो चिंगरा पगार है ना वो नहीं है। रास्ता जैसे जैसे बना हुआ है ना, लोग गए हैं उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। गाइस तो अभी हम लोग रास्ता जो है ना भटक गए हैं, और अभी हम पता करने जा रहे हैं। भाई लोग पीछे में हैं, अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं। मतलब आवाज़ तो आ रहा है, अरे यार जाला है यार बहुत यहाँ पे, लेकिन अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, मस्त ठंडा ठंडा। इधर जो है वाटरफॉल बनता होगा, सच में आवाज़ तो आ रहा है। अब है कि नहीं वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ पे एक्चुअल वो अभी मेरे को नहीं पता है, लेकिन आ रहा है। गाइस तो वीडियो हो सकता है लंबा होगा। आगे बढ़ते हैं, भाई लोग सब जा रहे हैं उधर। चलो उधर चलते हैं, बुलाओ ना, वो लोग जा रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं, देखो यार इधर तो आए हुए लड़कियाँ, सब ग्रुप आए हैं। ये देखिए इधर इधर सब जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर वाले हिस्से में। ये देखिए सब भाई लोग पहुंचे हुए हैं। सब भाई लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं पूरा। ये देखो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे अपन नीचे चलेंगे, नीचे से आप लोग को दिखाएंगे ऊपर का नज़ारा। ये झरना भर है ना मैम, यही झरना भर रहा है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, अपन उधर चले, चलना नीचे चलते हैं, ठीक है ना। देखो गाइस अभी हम लोग उतर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उतर चुके यहाँ पे, किस पे कॉल करना है। ये देखो सब ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे, भाई लोग का इन्जॉय कर रहे हैं सब यहाँ पे। सब खाने पीने का चीज़ें लाए हुए हैं, भाई लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। सरकार एक खूबसूरत वाटरफॉल है भाई, यहाँ पे कुंड बना हुआ है, इसी को कहा जाता है गजपल्ला वाटरफॉल। कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग जो है ना ऊपर में हैं, उसके बाद अपन नीचे जाएंगे, भाई लोग सब नहा रहे हैं, अपन नीचे चलेंगे। गाइस तो अभी हम लोग ऊपर आए हुए थे यहाँ पे झरना के पास में, पूरा पहुँचे हुए हैं। और मैं आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ पे जितने भी बॉयज़ और जो गर्ल्स है भाई लोग हैं,
वो सब कॉलेज वाले हैं, सब यहाँ पे पहुँचे हुए घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम लोग ऊपर से फिर नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे अपन चलते हैं, आपको नीचे से जो वाटरफॉल है वो नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बस इसी रास्ते पे अपने को और चढ़ना है ऊपर। चलो, हाँ कहाँ से आप लोग? हम लोग ये राजीव। राजीव, अच्छा कौन सा पूछ रहा है? चलो क्या बात है लेते यार, दवाई देखो, यही है गजपल्ला वाटरफॉल, जाते बनेगा पास में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये देखिए नीचे में, और ये बन रहा है वाटरफॉल यहाँ पे। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग ऊपर गए हुए थे, भाई लोग नहा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मस्त लग रहा है गाइस यहाँ पे वाटरफॉल। कहाँ से आए हो? ठीक है ना, मस्त लग रहा है गाइस ये देखिए वाटरफॉल। कहाँ से दिखवाता हूँ आप लोग को, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। चलो इसमें अपन चढ़ते हैं, डर लग रहा है यार। और यहाँ पे दो स्टेप में पानी जो है ना भर रहा है, एक स्टेप में यहाँ पे और एक स्टेप में यहाँ पे, जो पानी का जो कलर है ना वो दूध जैसा लग रहा है। और इस जगह को बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, जो आसपास के है, राजीव है, दरियाबंद है, उन्हीं लोग को ही पता है, क्योंकि ये अंदर में है और अभी ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पर देखो पेड़ में बहुत सारे जो है ना मधुमक्खी के छाते बने हुए हैं, वो देखो इस टाइम। और हमारा अटल भाई यहाँ पे आ रहा है नहाने के लिए, और ये देखिए मस्त लग रहा है यार, भाई खूबसूरत जो है ना वाटरफॉल है, पूरे घने जंगलों में है ये है वाटरफॉल। और आस पास देखिए पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है। भाई तो देख सकते हैं गजब भी माहौल है यहाँ पे, और ये सब भाई लोग नहा लिए हैं, हमारे ग्रुप नहाने वाले हैं कुछ देर में, बस तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ पे। ओ भाई संधू का तो जलवा है, और फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे इस वाटरफॉल में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। कम हाइट इसका लगभग राउंड, ये लगभग 30 फीट या 40 फीट के आसपास में ही होंगे इसका जो हाइट है, जो वाटरफॉल बन रहा है। गाइस तो आप लोग को जो है इस वाटरफॉल को मैं पास से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अटल भाई जो है आगे जा रहा है, और इन लोग नहाने की तैयारी में हैं, भाई लोग तो नहा लिए हैं। और ये देखो मस्त खूबसूरत सा वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, हालांकि जो वाटरफॉल है अंदर में है, आने में हम लोग को थोड़ा सा परेशानी ज़रूर हुआ है, लेकिन आप आते हो यहाँ पे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल लोग से आसपास में रहते ही है तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं और यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, हालाँकि ज़्यादा हाइट का नहीं है, कम हाइट का है, लगभग कोई 30-40 फीट के आसपास होगा या उससे कम ही है। और आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।